ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था मैं, उस समय माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट लग रहा था बॉम्बे में। उस समय मेरे सारे दोस्त उस कॉन्सर्ट को देखने गए थे, लेकिन मैंने क्या, यू नो हाउ बिग फैन आई वॉज ऑफ माइकल जैक्सन, लेकिन मैं नहीं जा पाया था क्योंकि आपका उस दिन बर्थडे था। तो उस दिन को आज रिप्ले करेंगे। हाँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूँगा, ठीक है? एक ही मौका मिलने वाला है पापा, शिद्दत से करना। एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है, बाहर नहीं हूं मैं। माँ का बाप से बकचोदी, बाप से बकचोदी, बाप से बकचोदी, काश उस रात सो गया तेरी अम्मा का। एनिमल देखकर आ गया हो दोस्तों, स्टारिंग रन टू विन कपूर, तोतला सेठ, वन टू का फोर एंड बॉबी डॉलर, डायरेक्टेड बाय संदीप जब रेड्डी, तब बॉक्स ऑफिस नंगा। अब देखो मेरा रिव्यू थोड़ा ए रेटेड रहेगा, मेरे ओपिनियंस थोड़े अलग रहेंगे। अब अलग बात रखना मतलब गलत बात नहीं होता, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अब एनिमल ये फिल्म बाप बेटे के लव स्टोरी पे बेस्ड है, मतलब इतना समझ लो जहां रणबीर कपूर का हर पिक्चर में दिल टूटता है, उसने इस बार अपने बाप के मोहब्बत को इंपॉर्टेंस देना जरूरी समझा और ये बताया कि भाई साहब तुम घर के अंदर अपनों का प्यार समझते नहीं है और बाहर सच्ची की आशिकी ढूंढते हो तो तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्यार को पाइल्स हो जाए। अब देखो ये तो जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कामयाबी और जो सुख होता है वो एक बाप का अपने बेटे को गले मिलना होता है। जिसने वो कमा लिया उसने दुनिया जला दिया। और बाप मोहब्बत एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि उसका पूरा जीवन निकल जाता है हिम्मत देने में ताकि बेटा हिम्मत ना हारे। एंड फिल्म भी कोशिश करती है कुछ वैसे ही बनने की। इनफैक्ट ये रिलेशन चोर पुलिस जैसा लगता है, अगर आप गलत करोगे तो वो आपको पकड़ेंगे ताकि आप सही बन सको। एंड फिल्म के अंदर अलग अलग एंगल्स भी देखने मिलेंगे विद लॉट्स ऑफ वायलेंस। अगर मैं एनिमल इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि द फर्स्ट हाफ इज एक्सीलेंट। आई मीन संदीप रेड्डी वांगा की खासियत ही यह है कि जो लोग पर्दे के पीछे सोचते हैं वो वही चीज पर्दे पे लाकर रखते हैं एंड वही डेयरिंग के लिए वो जाने जाते हैं। द वे ही डिजाइंड एंड शॉट द फर्स्ट हाफ एंड दैट इंटरवल ब्लॉक इस मेंटल मास। आपने ऐसा कुछ इंटरवल ब्लॉक आज तक विटनेस इंडियन सिनेमा में किया ही नहीं रहेगा। खून खराबा नहीं तबाही था और पुराने वायलेंस फिल्म की विदाई था। बट चल बट, मतलब जब मैं फिल्म का सेकेंड हाफ देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक एट ऑल। कुछ फेमिनिस्टो या ज्ञान खोदियों को सेकेंड हाफ डेफिनेटली टॉक्सिक लगेगा, बट ये संदीप रेड्डी वांगा तेलुगु फिल्म मेकर है एंड मोस्ट ऑफ द तेलुगु फिल्म मेकर्स फेमिनिस्टो को वुमेन कैरेक्टर्स को झाटे पे मारते हैं, ये फैक्ट है। इनफैक्ट एनिमल का सेकंड हाफ इवन मेल्स को भी डाइजेस्ट नहीं होगा, आप बोलोगे कि ये ए रेटेड के नाम पे ग्रांटेड हो गया। अब सेकंड हाफ में एडल्ट्री रिपीट होती है, मतलब आड़ गाड़ लाड़ एंड खुदम पट्टी यही सब देखने मिलता है। एंड आपको मालूम है कि संदीप के फिल्मों में कैरेक्टर्स उनके जो रहते हैं वो एग्रेसिव रहते हैं। अब यहाँ पर रणबीर किसी और के साथ सो के आता है एंड रश्मिका को बताता है ये सब एंड बोलता है कि ये सब प्लान था। रश्मिका को एक डायलॉग भी बोल के जाता है, अंजलि अगर मैं नहीं है ना तो शादी मत करना। अरे ये तो मोई मोई कर दिया भाई साहब, उल्टा डायलॉग ऐसा रहना चाहिए था कि गीतांजलि अगर मैं नहीं है ना तो शादी मत करना, किसी और के साथ सो लेना, क्योंकि मैं तो जीते जीते रे सोया किसी और के साथ। अरे भाई साहब, मतलब बाप के प्यार को पाने के लिए लड़के ने 200 लोगों को मार दिया और खुद की बीवी के प्यार को झाटे पे मारता है। और उसी सीन पे गाना भी आता है कि तेरी सारी पादे पानी में आज सुंगा दे, बदरंग में दरिंदा है ये इश्क रे, भूपेंद्र जोगी मैं तेरा है इश्क रे। सेकंड हाफ में ये होना चाहिए था कि बॉबी देओल वर्सेस रणबीर कपूर ज्यादा होता तो पब्लिक का गला फट गया होता था चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैसे ही कुछ हो जाता था। बट फिल्म का फोकस मोर ऑन खुदम पट्टी था देन ऑन गुंगा बॉबी चुना भट्टी। एनीवेज परफॉर्मेंस की बात करूं तो बॉबी देओल का उतना ही अच्छा काम था जितना उनके करियर में अच्छी फिल्म है। गेंद चुन के 6-7 मिनट का रोल रहेगा, आई मीन जितना आपने ट्रेलर में देखा समझो उतना ही था। वही नेशनल क्रिंज रश्मिका मंदाना की बात करूं तो उनके डायलॉग डिलीवरी पे 28 लैंग्वेजेस के अलग अलग सबटाइटल होने चाहिए थे क्योंकि वो पूरे पिक्चर में अपना पान सुपारी थूकती ही नहीं है। यार उनकी इतनी अच्छी एक्टिंग देख के ना मेरा क्यूटनेस पे से भी भरोसा उठ गया। तुम्हारी लिए प्यार नहीं एक चोटी का विश्चिक दे दे दे। वाह, एक हाथ से नहीं दोनों गला दबाना पड़ेगा। टोटली। अब वहीं रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस की बात करूं तो इतना ही कहूंगा कि फ्रॉम बीइंग अ चॉकलेट बॉय
टू बीइंग अ चॉकलेट फ्लेवर प्रोटेक्शन, ही प्रोटेक्टेड एंड सेव्ड एंटायर बॉलीवुड। मतलब इस जनरेशन में मैंने उससे बेटर एक्टर देखा ही नहीं है। रणबीर कपूर के लिए बेकार एक्टिंग करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और अच्छी एक्टिंग तो उसके लिए चाहे कम ओल्ड मॉन्क है। मतलब ऋतिक रोशन के बाद वो एक लौता ऐसा स्टार किड है जिसके लिए एक लोटे पानी में डूब मर जाने चाहिए वो लोग को, जो इसको सिर्फ या स्टार किड कंसिडर करते या फिर ओके एक्टर समझते होंगे। लोगों को ओपनिंग लगती है इसको, सेंचुरी लगेगी, देख लेना। वही फिल्म के अंदर बाकी कास्ट का भी परफॉर्मेंस दमदार है, बट स्पेशल मेंशन टू उपेंद्र लिमई जो मराठी एक्टर है, उसने भाई ने इंटरवल में जान डालने का काम कर दिया। और स्पेशल मेंशन करूंगा वो है बीजीएम स्कोर, जिसने फिल्म को कहीं पे भी बोर होने नहीं दिया। यार वो इंटरवल पे जब अर्जुन वैली गाना आता है ना, अगर कोई अब भी मेरे सामने लगा दिया ना तो मैं शुभम को बेल्टे बेल्ट मारूंगा, इतना पावर सॉन्ग है वो। बाकी फिल्म ठीक है, डेयरिंग सिनेमा है, डायरेक्शन भी बिल्ला है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो इंटरवल ब्लॉक वाला सीन क्लाइमेक्स में होता है या फिर इंटरवल ब्लॉक जैसा सीन क्लाइमेक्स में होता और उसके बाद बाप बेटे का इमोशन रोल करते रहता तो फिल्म थिएटर फाड़ के रख दिया होता था। ओवरऑल एनिमल एक सच में जानवर फिल्म है, जहां पर रणबीर कपूर बाप के प्यार को पाने के लिए जल्लाद तो बन जाता है लेकिन पूरे फिल्म में एक भी बार गले तक नहीं मिल पाता। मैं रणबीर कपूर के काम को एंड फर्स्ट हाफ को 5 out of 5 स्टार दूंगा। वो देखने के लिए मैं 2 बार जाऊंगा थिएटर में और वहीं से उठ के चला भी जाऊंगा घर पे, बट फिल्म को मैं दूंगा 3.5 out of 5 स्टार। बाकी देखो यार, आपको वीडियो नहीं जमा रहेगा मेरे को मालूम है, बट ये कोई नहीं बोलेगा भाई, क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल है एंड सब सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है और बोलना भी मुश्किल हो जाता है लोगों का। अगर आपको सही लगा रहा रिव्यू तो कर देना सब्सक्राइब, वरना बेझिझक यार अनसब्सक्राइब मारो, मजा करो यार, तुमको मजा आना चाहिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।